सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा छठी में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो एक बहुत अच्छे लेखक और कवि दोनों ही माने जाते हैं। हिंद महासागर में एक तारा जिसे एक लघु भारत की संज्ञा दी जाती है और उसका नाम है मॉरिशियस, जो एक दर्शनीय स्थल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मॉरिशियस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। यानी मॉरिशियस एक ऐसा देश है जो कोई भी हिस्सा, मतलब जितना भी दूर है कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो समुद्र से 15 मील दूर ज़्यादा हो। जिसकी जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या के 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशियस वह देश है जिसकी राजधानी का नाम पोर्ट लुई, की गलियों का नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई है, तथा उसके पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशियस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी और ब्रह्म स्थान भी है। तो कहते हैं कि यात्रा पर मैं दिल्ली 15 जुलाई में चला, मुंबई के लिए चला 16 जुलाई में, जो दिनकर जी कहते हैं, और नरोबी के लिए 16 जुलाई, 17 जुलाई को मैं मॉरिशियस के लिए चला। जब हम नरोबी पहुँचे तो वहाँ पर हम नेशनल पार्क देखने के लिए निकल गए। नरोबी का जो नेशनल पार्क है वो चिड़ियाघर नहीं है, ठीक है, शहर के बाहर एक बड़ा सा जंगल है जहाँ अच्छी चारों तरफ अच्छी अच्छी सड़कें बिछी हुई है, चारों तरफ गाड़ियाँ आती जाती हैं। वहाँ जाकर हमने जो देखा उसे देखकर हम हैरान रह गए कि कोई 7-8 शेर लेटे हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी। तुर्रा यह कि सिंहों के ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़कर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने देखा तक नहीं था। हम वहाँ पर आधा घंटा खड़े रहे, लेकिन देखा कि कोई शेर जो है जमाई ले रहा है तो कोई सीनियों की देघाटी चाट रहा है। इस तरह हमने काफ़ी देखा। कुछ दूर हम और गए तो हमें शेरों हिरनों का एक झुंड दिखाई दिया जो पानी पीने आ रहा था, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब जब दो जवान शेर उठे और वे दो और चल दिए, एक तो थोड़ा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया और दूसरा घास में छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने तार लिया, शायद देख लिया था कि उसको मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो हिरण भाग गए लेकिन कुछ खड़े रहे। क्योंकि जो शेर है, आपने बच्चों सुना होगा, जो शेर या कुछ भी है जो वो झुंड पर कभी शिकार नहीं करता, वो तब शिकार करता है जब जो उनका शिकार अकेला होता है। फिर हम नरोबी जब से हम मॉरिशियस के लिए BOC विमान में उड़े। विमान में यह नरोबी से 4 बजे उड़ा और उड़ने के बाद लगभग 5 घंटे बाद मॉरिशियस पहुंचा, जब रात हो चुकी थी और पानी बह रहा था। हमने देखा कि मॉरिशियस के में भारतीयों से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इसमें मॉरिशियस में व्यापक प्रचार है, यानी मॉरिशियस में भी हिंदी प्रचारणी सभा एक जागरूक संस्था है। मॉरिशियस की राजधानी अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है, वहाँ पे क्रियोल बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मॉरिशियस में ईक की खेती और व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश का मूल है। यानी मॉरिशियस एक कृषि प्रधान द्वीप भी है, जहाँ क्योंकि वहाँ चीनी का बहुत अच्छा एकमात्र उद्योग भी है। मॉरिशियस के प्रत्येक गांव में एक शिवालय होता है। मॉरिशियस के प्रत्येक प्रमुख गांव में हिंदू तुलसी की रामायण का पाठ करते हैं।
वहाँ पर परी तालाब भी हिंदुओं की एक तांत्रिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा है। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं दृश्य के पिकनिक स्थान भी हैं। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशियस हिंदू श्वेत वस्त्र के कारण अपने बंधों कंधों पर कांवड़ लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर जाती हैं और जल लेकर शिवालयों में लौटती हैं और शिवालयों पर जल चढ़ाती हैं। ये सब काम वे बड़ी ही भक्ति भावना से करते हैं। बच्चे जो वयस्क लोग हैं वो उजली धोती यानी सफ़ेद धोती सफ़ेद कमीज और उजली गांधी टोपी पहनते हैं। बच्चे हाफ पैंट पहनते हैं लेकिन गांधी टोपी उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने के लिए अन्य धर्मों के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। तो आज हमने मॉरिशस की सैर की, मॉरिशस के बारे में जाना। धन्यवाद।